मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग और वेलकम द मॉडर्न वे टू स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि हम दो या दो से ज्यादा जो ब्रैकेट्स होते हैं उनमें जो नंबर्स होते हैं जो कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स ए बी दस में मतलब मेंशन कर रखे होते हैं कभी कभी जैसे एंथनी फोर और कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी सी डी ऐसा करके हो सकते हैं जो कि सिंबल्स होते हैं सिंबल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हम इन ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आज हम यही सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मकसूद अहमद। क्वेश्चन आपके सामने है ऐसे ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करें। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा पहले मैं छोटा कर देता हूँ फिर बाद में आपको ये भी दिखा दूंगा कि इससे मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है तो हम इन सब की मल्टीप्लाई कैसे करें। हम जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला क्या है 3a 3a की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 3a की मल्टीप्लाई a से करेंगे फिर 3a की ही मल्टीप्लाई हम b से करेंगे यानी कि फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले की फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई क्योंकि यहां दो ही तो हैं फर्स्ट और सेकंड दो ही तो नंबर्स हैं यहां तो ऐसे ही यहां फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से फिर सेकंड वाले की सेकंड वाले से मल्टीप्लाई थर्ड वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई फिर थर्ड वाले की सेकंड वाले से मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा जो इन सबके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 3a की मल्टीप्लाई हम ऐसे कैसे करेंगे इसके मल्टीप्लाई में क्या है इसकी मल्टीप्लाई में 1 है जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है। ऐसे ही इस वाले a की मल्टीप्लाई में क्या है इसके a की मल्टीप्लाई में है 3। ऐसे ही यहां b की मल्टीप्लाई में क्या है 4। c की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है -1 है यहां माइनस तो है लेकिन 1 है। ऐसे ही यहां a की मल्टीप्लाई में भी 1 है b की मल्टीप्लाई में भी 1 है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर देख लेते हैं हम। सबसे पहले 3a की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 3a की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी जो इसकी मल्टीप्लाई में है 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1 की 3 3 की 1 से करो आंसर आपका 3 आएगा। अब a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा क्यों क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय a ए स्क्वायर आता है। मैंने आपको एक्सपोनेंट वाले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर मतलब किसी की पावर 2 होती है तो वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ए मल्टीप्लाई ए तो लिखा है ए मल्टीप्लाई ए तो ए का स्क्वायर ए जितने टाइम्स लिखा होगा ए हमारे पास 3 टाइम्स लिखा है तो ए का क्यूब हो जाएगा अगर ए हमारे पास 4 टाइम लिखा है तो ए का ए की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है तो क्यूब्स और स्क्वायर क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है आगे भाई अब हम देखते हैं कि हम दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करें क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। ये बेसिक चीजें चल रही हैं अभी तक सिर्फ जितने भी वीडियो था सब बेसिक चीजें हैं अभी तक जितना चल रहा है मेरे चैनल पे सब बेसिक है। जब हम हाई स्कूल का सिलेबस को कवर करेंगे तब यही चीजें यूज होने वाली है सब उसके लिए ये प्रिपरेशन है जो कि मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ये वीडियो अगर नहीं देखी तो वो जो आप आगे पढ़ोगे वो समझ में नहीं आया कि अगर ये आपका क्लियर है तो आप आने वाली आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो 3a के मल्टीप्लाई ने a से कर दी तो आ गया 3a। अब हम 3a की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे तो b के मल्टीप्लाई में क्या है 3 है तो 3 तो ऐसे ही रहेगा a की मल्टीप्लाई b से होगी तो क्या आएगा ab। तो 3a की मल्टीप्लाई a से भी हो गई b से भी हो गई तो दोनों इन दोनों से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab। अब ऐसे ही 4b की मल्टीप्लाई पहले हम a से करेंगे तो 4b जो है ये प्लस का है ये भी प्लस का है पॉजिटिव है दोनों तो प्लस का ही निशान लगाएंगे हम यहां आंसर लिखेंगे अपना 4ab जो अल्फाबेटिक का पहले आता है जैसे कोई पहले लिख सकते हो ज्यादा सही रहता है मतलब आप 4ba भी लिख सकते हो ba या ab कैसे भी लिख सकते हो आंसर आपका सेम ही है कुछ गलत नहीं होगा उसमें। लेकिन जो सिस्टमैटिक है वो यही तरीका है जो अल्फाबेटिकल पहले आता हो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम उसी को पहले लिखो उसी को हम पहले लिखते हैं। तो ऐसे ही 4b की मल्टीप्लाई a से हो गई 4b की मल्टीप्लाई b से हो गई 4b प्लस ये भी प्लस 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 की मल्टीप्लाई प्लस होती है 4b स्क्वायर 4 की 1 से हो गई b की b से मल्टीप्लाई तो b का स्क्वायर हो गया। अब हम c माइनस c की मल्टीप्लाई a और b दोनों से करें माइनस c है यहां देखिए यहां माइनस है वहां प्लस है तो माइनस सी की मल्टीप्लाई जब प्लस के ए से होगी तो आंसर आएगा माइनस का ए सी। अल्फाबेटिकल तो पहले लिखना है लेकिन पहले सिंबल्स की मल्टीप्लाई देख लेते हैं सिंबल समझ के आएगा माइनस आएगा क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है तो माइनस ए सी। अब माइनस सी की मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे तो माइनस बी सी फिर सी
ये जो आया है ये इसका आंसर है। अगर कुछ इसमें कॉमन है, कुछ कट रहा हो जो कि सेम हो प्लस में माइनस में, तो ऐसा हो कुछ अगर हो तो वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो हम अपने क्वेश्चंस में देख लेंगे। फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना बता दिया, हम ऐसे ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी के सामने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला जो आपके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ये क्यों होता है, इसका रीजन ये क्यों है, देखिए। तो ए प्लस बी की मल्टीप्लाई जब आप ए माइनस बी से करोगे तो आपका यही आंसर बचेगा, देखिए कैसा है। सबसे पहले हम ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, ठीक है, पहले वाले की फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से, ऐसे ही फर्स्ट वाले सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले की सेकंड वाले से। तो ए की मल्टीप्लाई हम ए से करते हैं, तो ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे, ये प्लस ये माइनस, अभी पहले क्या था, ए हमारा प्लस का था, ये भी ए प्लस का था, तो प्लस का ए स्क्वायर लिख दिया हमने, तो ए ये वाला जो है वो हमारा काय का है, प्लस का है, बी हमारा माइनस का है, तो माइनस का ए बी लिखेंगे, माइनस ए भी लिखेंगे, ठीक है, माइनस ए भी। अब ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो अपना आंसर प्लस का लिखा जाएगा, तो ए बी यानी के ये रहा प्लस ए बी। अब बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और दोनों ही बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा यानी पावर टू हो जाएगी। अब देखिए जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कुछ कॉमन हो जो कि प्लस में हो माइनस में हो अपोजिट हो तो वो करेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। ए बी माइनस का है, यहाँ ए बी प्लस का है, माइनस प्लस दोनों ही सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसलिए होता है। अब ये दोनों कैंसिल कैसे हुए हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कैंसिल क्यों कर दिए हमने, कैसे कर। चलिए सपोज करते हैं इन दोनों की जगह कुछ नंबर्स हैं, इन दोनों की जगह कुछ नंबर्स हैं, ए और बी की जगह कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। हम ए को मान लेते हैं टू के इक्वल और बी को मान लेते हैं फोर के इक्वल, ठीक है। अब हम इसमें उसका आंसर रखते हैं, ओके, तो ए कितना है टू प्लस फोर, टू प्लस फोर, ऐसे ही ये कितना ए टू माइनस फोर। अब इन दोनों की हम अगर मल्टीप्लाई करें, जब नंबर्स होते हैं तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर, तो जब नंबर्स हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम टू की टू से करेंगे फिर टू की फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टू की जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर, ठीक है, टू स्क्वायर। अब टू की हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एट, माइनस एटी तो आएगा क्योंकि यहाँ नंबर्स है, यहाँ नंबर्स नहीं थे तो हमने इसलिए ए बी लिख दिया था, यहाँ ए और बी, ए की जगह क्या है यहाँ पे टू, यहाँ ए की जगह क्या है बी की जगह फोर, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस एट ही होगी, ठीक है, माइनस एट, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस एट। चलिए माइनस एट आ गया अपना। अब ऐसे ही फोर की मल्टीप्लाई हम टू से करेंगे, फोर की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एट, फोर टू सा प्लस एट, दोनों ही पॉजिटिव है तो अपना प्लस एट आएगा क्योंकि दोनों ही ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो माइनस एट आ गया था, ठीक है। अब फोर की मल्टीप्लाई माइनस फोर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस फोर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस फोर का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए टू का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का फोर का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस एट से माइनस एट कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि इस वाली इक्वेशन के अंदर जितना ये है उतना ही ये है लेकिन अपोजिट है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ जीरो इक्वल है माइनस एट प्लस एट, जीरो इक्वल मतलब जीरो भी तो आएगा, कैसे, कि हमने आठ घटा रहे हैं आठ जोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ा, आठ हमने पहले जोड़ दिए फिर घटा दिए, लेकिन इसको आठ बजे थी बजे दी कितना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, तो वही तो है, यहाँ माइनस एट है यहाँ प्लस एट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही इक्वल के एक साइड, अपोजिट सिंबल्स में सेम नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, इक्वल के एक साइड, एक ही साइड में, ठीक है, अपोजिट सिंबल्स यानी प्लस माइनस के अपोजिट सिंबल्स के या अपोजिट चार्ज के सेम नंबर्स होते हैं, माइनस एट प्लस एट,
नंबर सेम होने चाहिए, चार्ज अपोजिट होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाते, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो ये है कि अगर इक्वल के एक साइड यहां पे आपके पास फोर है और यहां पे प्लस सिक्स है, ऐसे ही यहां माइनस फोर है, यहां प्लस सिक्स है, ठीक है। मुझे पता है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अलग है, दोनों अलग है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझा दो अभी। ये जो प्लस सिक्स है, ये इस वाले प्लस के सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्यों? ये वाला प्लस सिक्स, ये वाला प्लस सिक्स को आप अपना कैंसिल कर दें, कैंसिल क्यों करेंगे वो देखिए। ये वाला जो प्लस सिक्स हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। जब ये प्लस सिक्स इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि प्लस में रखा है। तो ऐसे ही फोर इक्वल माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस सिक्स, तो सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल होगा ना, ऐसे वो कैंसिल होते हैं, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये माइनस को हटा देते हैं, अब इक्वेशन हमारे बैलेंस भी है, और तो मैंने माइनस लगा दिया तो इसलिए बैलेंस नहीं होते। अब ऐसे कोई से भी आप उधर लेकर के जाओगे, जितना ये है उधर उतना ही ये है, तो सिक्स वहां ले गए हम, तो इधर का जो प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स को कैंसिल कर देगा, क्योंकि हम चार में छह जोड़ रहे हैं पहले फिर हम घटा रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। तो इक्वल की एक साइड अगर सेम नंबर हो अपोजिट चार्ज के हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर हो सेम चार्ज हो, एक साइड इधर एक साइड इधर, तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका जीरो इक्वल टू जीरो। इक्वल की एक साइड हो, नंबर तो सेम हो लेकिन जो हो प्लस माइनस वो अपोजिट हो, अगर इक्वल के दोनों साइड है, एक इधर है एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो नंबर सेम हो और सिंबल भी सेम होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, तब वो कैंसिल हो। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन के बेसिक को आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो मैथ्स का जो बेसिक होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तभी आपका मैथ का बेसिक या बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बिना मैथ आप नहीं समझ पाओगे, काफी हार्ड भी होती है और समझने वाले के लिए बहुत ईजी। हमें मैथ को थोड़ा अलग नजरिए से देखना है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ, कोशिश करूंगा जितना आपको अपना बेस्ट दे सकूँ उतना। तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।